है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन इंडोर और आउटडोर प्लांट एरेका पाम की। ये एयर प्यूरीफायर भी है और जो है अगर आप इंडोर कोई प्लांट रखना चाहते हैं तो इस प्लांट से बेहतर कोई प्लांट नहीं है। ये आपके किसी भी कोने को खूबसूरत बनाने के लिए एक परफेक्ट प्लांट है। ये प्लांट जो है, मैं अभी अपने मम्मी पापा के घर गई थी तो ये एरिका पाम वहाँ का है, तो मैं ये वीडियो वहीं से शूट कर रही हूँ। आप तो इसी एरिका पाम के बारे में हम जो है जो मेन खास बात है 7 से 8 पॉइंट के बारे में हम जो है बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले जो है इस प्लांट की जो है सॉइल मिक्स की। तो आप जो है इसका सॉइल मिक्स ऐसा तैयार करिए जो एकदम वेल ड्रेन हो। आप पानी डालिए और तुरंत ही इसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। इसके लिए आप जो है एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा बालू और थोड़ा सा उसमें जो है फंगिसाइड मिला करके आप इसको इस प्लांट को जो है गमले में लगा दीजिए। कर लेते हैं पॉट के साइज़ की। तो पॉट का साइज़ जो है, इसके पॉट के साइज़ का चुनाव आप जो है 12 से 14 इंच के गमले का रखिए। ये एकदम परफेक्ट इस प्लांट के लिए साइज़ है। और जैसे ही आपका प्लांट ग्रोथ करने लगता है और जो है 1-2 साल में अगर ये पॉट जो है भर जाता है तो आप प्लांट को निकाल करके जो है इसको बड़े पॉट में लगाएं। सनलाइट की, तो सनलाइट इस प्लांट को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, चूँकि ये इंडोर प्लांट है तो आप इसे जो है ऐसा एरिया दीजिए जो ब्राइट लाइट मिले पर सनलाइट में ना रखें। सनलाइट में रखने से इसकी पत्तियां एकदम जल जाती हैं, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप इसको जो है इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से अपनी ग्रोथ करता रहे। इस प्लांट में वाटरिंग कैसे करनी है इसके बारे में बात करें तो इस प्लांट को ओवर वाटरिंग कभी ना करें। ओवर वाटरिंग करने से जो है इसकी जड़ें जो है धीरे धीरे जो है गलने लगती हैं, जिससे ये प्लांट बहुत जल्दी मर जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी इस प्लांट में आप पानी डालें तो आप जो है सॉइल को चेक करके ही डालें। अगर सॉइल सूखी हुई है तो पानी डालें। मॉनसून में अगर आप इसको बारिश का पानी दे रहे हैं तो 4-5 दिन बाद फिर इसको आप बारिश से हटा दीजिए। दोबारा तभी रखें जब इसकी सॉइल जो है सूख जाए। ये प्लांट जो है मॉनसून में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है, बहुत मतलब अच्छी ग्रोथ करता है। इसीलिए जो है आप अगर इसको अपने कमरे में रखे हुए तो मॉनसून टाइम में आप इसको बाहर ज़रूर रखें ताकि जो है इसका मॉइस्चर मेंटेन रहे और ये अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे से करे। बात करें इस प्लांट की फंगस अटैक की, तो फंगस अटैक में जो है इसकी पत्तियों पे जो है कुछ ब्लैक स्पॉट से हो जाते हैं, तो उसके लिए आप जो है या तो उन पत्तियों को कट करके हटा दीजिए और या तो जो है आप साफ़ फंगिसाइड आता है जिसका मैं यूज़ करती हूँ, आप उसको जो है फंगिसाइड को आप 1 लीटर पानी में 2 चम्मच फंगिसाइड घोल करके पत्तियों पे स्प्रे करें और थोड़ा सा फंगिसाइड जो है घोल करके आप मिट्टी में भी डालें, तो इससे जो है फंगस अटैक की समस्या आपकी जो है बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। आप इसकी मिट्टी में जो है महीने में एक बार जो है आप नीम खली का भी जो है यूज़ कर सकते हैं। मिट्टियों में नीम खली 1 मुट्ठी आप ज़रूर डालें तो इससे जो है मिट्टियों में कभी भी फंगस अटैक नहीं होता है। बात करें इसमें फर्टिलाइज़र क्या देनी है, तो फर्टिलाइज़र में आप NPK 19:19:19 को 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल करके आप इसकी पत्तियों पे छिड़काव करेंगे तो इसकी पत्तियां जो है एकदम ग्रीन बनी रहेंगी और थोड़ा सा आप इसमें जो है इसकी मिट्टी में भी डालें। साथ ही साथ आप इसमें वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। करें रिपोर्टिंग और प्रोपोगेशन की, तो रिपोर्टिंग इसका जो है मॉनसून में ही करें, साथ में प्रोपोगेशन आप इसको जो है अगर आपका गमला पूरी तरह से भर गया है तो आप इसको जो है 2 गमले से निकाल करके 2 भागों में बांट करके नीचे के जो रूट्स हैं उसको आप
कटर से कट कर दीजिए, उसके बाद दो गमलों में इसको लगा दीजिए, तो इससे आपका प्रोपोगेशन भी हो जाता है। एक और ख़ास बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप इस प्लांट को इंडोर रख रहे हैं तो हफ्ते में एक बार इसको 2-3 दिन के लिए इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें, जो है आप इसको सनलाइट में ना रखें, लेकिन जो है बाहर इसको आप ज़रूर निकालें ताकि जो है ये अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखे, क्योंकि जो है अंदर रखने से जो है पौधे थोड़े से कभी कभी सूखने लगते हैं, तो आप हफ्ते में एक बार ज़रूर निकालें इस प्लांट को बाहर। ये प्लांट मेरा देखिए कितना घना है, और ये प्लांट मेरे तीन हैं, तीन पॉट में मैंने इसको लगा करके रखा हुआ है, लेकिन कितना हरा और कितना जो है बुशी है, एकदम जो है घने घने प्लांट हैं, खूबसूरत। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।